थे ना वहां, उसे गोली लगी थी। तो थोड़ा परेशान हो गई थी, डर गई थी। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। I'm sorry, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आइंदा अगर ऐसे बात की ना तो मैं तुमसे पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगी। आई नो तुम्हें मेरा ऐसे अरीब के बारे में पूछना बुरा। नहीं, 100 दफा पूछो, तुम्हारा हक है। लेकिन ये जो इमोशनल होके बातें कर रहे थे ना, जो ताने मार रहे थे कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, कुछ भी हो जाए, कयामत भी आ जाए तो मुझे कुछ नहीं होगा, ये नहीं करना दोबारा, कोई जरूरत नहीं है इसकी। एक पल में पराया कर दिया। बचपन से लेकर आज तक हर खुशी हर गम मिलके बांटा है हमने, है ना? सब शेयर किया है। तो फिर और मैं तुम्हें खुद बताना चाहती थी कि मैं अरीब से मिल गई, वो तो नीलू ने सबके सामने तमाशा खड़ा कर दिया, वरना तुम मैं तुम्हें खुद बताती। और ऐसा नहीं है कि मुझे शायद तुम्हारी फिक्र नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। बस उस दिन अनाबिया आई और उसने मुझे बताया कि अरीब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, तो मैं डर गई, नहीं समझ आया, ना चाहते हुए चली गई। तुम थे ना वहां, उसे गोली लगी थी, तो थोड़ा परेशान हो गई थी, डर गई थी। और मुझे पता है कि अगर तुम यहां होते तो तुम मेरे साथ उससे मिलने जाना चाहते, तुम मुझे कहते चलो उसका पूछते हैं जाके, क्योंकि तुम वही इंसान हो जो उस दिन मुझे कह रहा था कि उसके अब्बू की ताजियत के लिए चलते हैं। मेरा और कोई मकसद नहीं था। तुम अब अगर इस बात को कुछ और समझो तो मैं क्या कह सकती हूँ। कितना बोलती हो तुम,